लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, जिस वजह से कई पार्टियां विपक्षी एकता को एक करने के लिए लगी हुई हैं। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विपक्षी एकता को लेकर किए जा रहे प्रयास पर कहा कि चाय पीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अगर विपक्ष मजबूत होता तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो गया होता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने के लिए लगे हैं, इसी वजह से वह कई राज्यों के सीएम से मिल चुके हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने सियासी हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगा है। आज जो राजद के 0 MP हैं और वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले दिनों ममता बनर्जी से मिले, जिसको लेकर उन्होंने सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी लालू और नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए सीट देने को तैयार हो गई। क्या लालू और नीतीश बिहार में TMC को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए? किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को कौन पूछता है, वह हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए। अखिलेश की समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव 2014 में 5 सीटें और 2019 में भी 5 सीटें मिली, लेकिन वे बात ऐसी कर रहे हैं जैसे 500 MP इन्हीं के पास हैं। उन्होंने कहा कि आज ये BJP की बी टीम है, क्योंकि ये अपनी दुकान चला रहे हैं, ये सिर्फ अपनी अपनी डफली बजाने वाले लोग हैं। ये लोग घर से निकलकर 5 किलोमीटर चल नहीं सकते, कोई दौरा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ये राजनीति क्या करेंगे? अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये कहना है कि 2024 से पहले विपक्ष जिस तरीके से मजबूत होने का दावा कर रहा है वैसा तो मजबूत हो नहीं रहा, तो क्या 2024 में BJP को हरा पाने में विपक्ष कामयाब रहेगा या नहीं, एक सवाल है। लेकिन क्या वाकई विपक्ष अगर 2024 में BJP को टक्कर देता है तो माना जाए कि 2024 BJP के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है? SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।